अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप साहब? यार वो बुखार हो जाता है अक्सर मुर्गियों मुर्गों को, ख़ास तौर पे जब ये मौसम चेंज होता है ना, सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी शुरू होती है, तो इन मौसमों में मुर्गों को मुर्गियों को चूज़ों को बुखार हो जाता है। तो मेरे भी ये थोड़े दिन पहले मुर्गे मुर्गी को एक बहुत तेज़ बुखार हो गया था और इतना वो उनकी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं तो बस समझा था कि अब ये गए, इनको बचाना मेरे लिए बहुत मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। तो फिर मैंने एक टोटका आजमाया तो उससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, तो मेरे जानवर बिल्कुल ठीक हो गए। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अभी बिल्कुल फिट फाट है। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि अगर आप में से किसी को इस तरह का मसला मसाइल पैदा हो तो आप भी इस तरह के टोटके आजमा के अपने जानवरों को ठीक कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए किया क्या था ये सब बताने के लिए पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के बटन को भी दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिला ताखीर पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया। तो चलें टोटका बताते हैं कि मैंने किया क्या था जिससे मेरे जानवरों को फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले तो जब इनको मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, इतने सीरियस थे कि समझो कि मुर्गे ने तो बिल्कुल अपनी गर्दन ढीली छोड़ दी थी और ज़मीन के साथ उसकी चोंच लग गई थी, और ऐसे लेटा हुआ था कि जैसे बस अभी गया और अभी गया। तो मैं बहुत ही इसके लिए परेशान था, मैंने तो छुरी पकड़ ली थी कि बस अब इसको ज़िबाकारी डालूं बजाय इसके कि ये चला जाए और हराम मौत मर जाए, तो चलो पका के खा ही लेंगे। लेकिन फिर भी दिल नहीं चाह रहा था, तो मैं बाज़ार में गया, वहाँ से जाके मेडिकल स्टोर से मैंने पेंसिलिन 10 लाख का टीका लिया, साथ में एक नैरोबियन का टीका लिया और साथ में मैंने एक सिरप लिया वाइडेलाइन। तो किया क्या मैंने आके उसको पेंसिलिन टीका जो पाउडर फार्म में होता है उसके अंदर मैंने मिक्स किया नैरोबियन का टीका, नैरोबियन टीका मिक्स करके अच्छी तरह शेक करके तो मैंने वो सिरिंज में भर लिया और आधा इंजेक्शन मैंने मुर्गी को लगाया, आधा मैंने मुर्गे को पिला दिया। मुर्गे को मैंने लगाया नहीं था लेकिन उसको मैंने पिला दिया था। तो वो फिर मैं उसको बंद कर दिया डब्बे में और ये देखने के लिए कि अब इनका क्या रिजल्ट निकलता है। तो वो यकीन कर रहा है कि ऐसा ज़बरदस्त